नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi 10A Sport vs Vivo Y15s 2021 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi 10A Sport में 6.49 इंच जबकि Y15s 2021 में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Redmi 10A Sport से कम है। विड्थ की बात करें तो Redmi 10A Sport में 3.03 इंच जबकि Y15s 2021 में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Redmi 10A Sport से कम है। बात करें थिकनेस की तो Redmi 10A Sport में 0.35 इंच जबकि Y15s 2021 में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi 10A Sport में 194 ग्राम्स जबकि Y15s 2021 में 179 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi 10A Sport में 6.53 इंचेस जबकि Y15s 2021 में 6.51 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi 10A Sport में 81.08% जबकि Y15s 2021 में 83.02% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi 10A Sport में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Y15s 2021 में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi 10A Sport में एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। और Y15s 2021 की बात करें तो इसमें दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही पावर GE8320 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi 10A Sport में MediaTek Helio G25 और Y15s 2021 में MediaTek Helio P35 मिलता है। बात करें RAM की तो Redmi 10A Sport में 6GB जबकि Y15s 2021 में 3GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Redmi 10A Sport में 128GB जबकि Y15s 2021 में 32GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Redmi 10A Sport में अप टू 512GB जबकि Y15s 2021 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Redmi 10A Sport में 3 कलर्स जबकि Y15s 2021 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi 10A Sport 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ ₹10,999 में मिल जाता है। और बात करें Y15s 2021 की तो वो 3GB RAM 32GB स्टोरेज के साथ ₹10,990 में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Xiaomi Redmi 10A Sport में 6 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo Y15s 2021 की तो उसमें 6 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है।
फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Y15s 2021 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें IQ Z6 5G है, दूसरा Samsung Galaxy F23 5G है, तीसरा Oppo A76 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Tecno Spark 9 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।